शाम को बारिश हो रही थी, उसमें हादसा हुआ है जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को अवगत कराया था। तत्काल हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। अभी तक जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके दौरान दो लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाती हुई उनकी डेथ हो गई, दो लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 13 में से 12 लोग अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनको यहाँ से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, हम आर्मी की भी हेल्प ले रहे हैं इसमें, बाकी हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस की टीम है, रेवन्यू की टीम है और आपदा की टीम है, वो सारी टीमें लगी हुई है और हमारा प्रयास है कि देर रात तक हम लोग इस ऑपरेशन को कम्प्लीट कर लें और अंदर कोई फंसा न हो इस संभावना पर लोग बिल्कुल इनकार मतलब इस संभावना को शून्य करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग काम। बहुत दुखद घटना घटित हुई है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। लग 13 लोग उसमें इंजर्ड थे जिसमें से दो की मृत्यु हो गई है और बाकी उपचार चल रहा है और हमारी पूरी संवेदना है। जो इंजर्ड हैं उनको जल्दी वो स्वस्थ हों ऐसा हम कामना करते हैं। और इसमें ये जो हादसा है इसमें FIR के लिए आदेशित कर दिया गया है, FIR के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जो भी कोई होगा इसमें कोई बचेगा नहीं। मैं गया था वहाँ, लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी भी है, लोगों ने शिकायत भी की थी और उसके बाद भी फिर ये गुणवत्ता की जांच हुई नहीं हुई, ये पूरा जो है पूरा प्रकरण ये पूरा जांच का विषय है और इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.